Hello students, so welcome back, and our today's topic is phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata, then Hemichordata, and then finally Chordata. We are about to end our non-chordates. Hamare almost sare phylums ho chuke hain non-chordates ke, and as aapne dekha tha ki primitive se leke hum advanced features ki taraf ja rahe the, to aaj hum complete karne wale hain hamara phylum Echinodermata. इससे पहले हमने कल किया था अर्थपोडा. अर्थपोडा वाज द फाइलम ऑफ जॉइंटेड एपेंडेटेड एनिमल्स. उसके बाद मलस्का को सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोला गया था. एंड यहाँ पे हम इकाइनोडर्मेटा के पास आ गए हैं, दैट इज फाइनी स्किन्ड एनिमल्स. इससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस हम रिविजन कर लेते हैं. टेल द फर्स्ट टेल द largest phylum of the animal kingdom, that is the arthropoda. Second largest is the mollusca. Which phylum is known as the phylum of soft-bodied animals? Mollusca. And arthropoda ka jo unique feature hai, characteristic hai, that is ki unke paas chitin ka exoskeleton hota hai. On the other hand, mollusca ke paas kya hota hai? Calcium ka exoskeleton hota hai. Okay, so let us start with Echinodermata, spiny skinned animals. Starfish का ये जो phylum है, इसको शुरू करते हैं. General characteristics में हमारा सबसे पहला characteristics है that the grade of organization is the organ system. Organ system organization यहाँ पे present है. There are different organs present in the body that are responsible for the performance of different functions. Symmetry is radial symmetry, but larvae are bilaterally symmetrical. So radial symmetry का मतलब क्या है? As you can see, this is a starfish, and starfish में हम देख लेते हैं कि इसको हम more than one axis के यहाँ वाले axis से भी हम इसको equal parts में divide कर पाएंगे. यहाँ वाले axis से भी divide करें तो equally divide कर पाएंगे. This kind of symmetry is known as the radial symmetry. ये जो star shape की वजह से ऑलमोस्ट सारे इकाइनोडर्मेटेट्स हैं, इनको हम मोर देन वन एक्सिस से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन टू एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्री. देन इज दैट लार्वे के पास क्या होती है? लार्वे आर ऑलवेज हैविंग अ बाइलेटरल सिमेट्री. Now germinal layers. Of course, there are three germinal layers present. Triploblastic है. Triploblastic में ectoderm, mesoderm and endoderm. Three germ layers are present. Ectoderm, endoderm and mesoderm. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? Triploblastic in development बोला जाता है. Psyllium. Psyllium is present. True psyllium is present. No false psyllium. True psyllium is present. After Aeschylhelminthes मैंने कल भी बोला था. Roundworms के phylum के बाद जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं उनमें क्या है? टू सिलोम प्रेजेंट है. एक्सक्लूसिवली मरीन, ये एक फाइलम है. ये क्या है? एक्सक्लूसिवली सीज में, ओशंस में मिलता है. रिवर में कोई भी नहीं मिल रहा है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है. दिस काइंड ऑफ फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन. और मुझे लगता है एक्सक्लूसिवली मरीन का फर्स्ट फाइलम हमारा अभी तक का आया है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा इज द फाइलम ऑफ स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एंड दिस फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन. ये सिर्फ सीज और ओशंस में ही हमें देखने को मिलते हैं. उससे नेक्स्ट फीचर है दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे है, एंड डॉर्सल साइड पे एनस प्रेजेंट है. वेंट्रल साइड कौन सी होती है? ऊपर वाली साइड है, जो फ्रंट साइड है, जो उसको बोला जाता है वेंट्रल साइड. एंड डॉर्सल साइड है जो फेसिंग द ग्राउंड, डाउन साइड को डॉर्सल साइड बोला जाता है. माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर, ऑपोजिट वाली साइड के ऊपर एनस प्रेजेंट होता है. जहां पे माउथ प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द वेंट्रल साइड, एंड जहां पे एनस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है एनालिट्स के बाद से जितने भी डाइजेस्टर, जितने भी फाइलम्स आ रहे हैं, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है. क्यों? क्योंकि उन सब में क्या है? टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट. या देन रेस्पिरेटरी सिस्टम.
रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कोर्स अगर ये मरीन हैबिटेट में है तो गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन वो होती है. स्किन की हेल्प से, गिल्स की हेल्प से और पैपिले की हेल्प से जो रेस्पिरेशन है वो हो रही है. ट्यूब फीट भी प्रेजेंट है. जो स्किन के ऊपर ये लेयर्स प्रेजेंट है दैट इज स्किन, गिल्स और पैपुले, इनका नाम है. दीज आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डर्मल ब्रैंके. डर्मल फॉर द स्किन एंड ब्रैंके फॉर गिल्स. बेसिकली गिल्स के लिए ये वर्ड यूज किया गया है. एंड ट्यूब फीट, ट्यूब फीट भी जो है दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द रेस्पिरेशन. तो दो बेसिकली हमारे पास दो अपेंडेजेस हो गए रेस्पिरेटरी में जो रेस्पिरेशन में जो हेल्प कर रहे हैं, द स्किन गिल्स एंड पैपुले और द ट्यूब फीट. Open type, the respiration, the circulatory system is of open type. That means जो blood है, blood is directly poured down into the body cavities. Body cavities में जो blood है हमारा वो चला जाता है. This is the open kind of circulatory system. Absence of true blood vessels. Blood vessels present होती है. Sometimes एक या दो major blood vessels present होती है. Sometimes the total absence of blood vessels. जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बॉडी कैविटीज के अंदर फ्रीली चला जाता है. इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म और एग मिल रहे हैं. एंड डिवेलपमेंट इज ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट, क्योंकि बाहर बॉडी के पानी में फर्टिलाइजेशन हो रही है, एग एंड स्पर्म मिल रहे हैं. एग एंड स्पर्म मिलने के बाद बॉडी के बाहर फॉर्म कर रहे हैं एग, एंड एग से डायरेक्ट जो बच्चा निकल रहा है दैट इज नॉट डायरेक्ट रिसेम्बलिंग टू द एडल्ट, वो लार्वल स्टेजेस से निकल रहा है. सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स दैट द ऑर्गेनिजम्स आर डायोशियस. मेल के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, फीमेल के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है. अब फाइलम में काइनोडर्मेटा को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइन्स ऑन द होल बॉडी. होल बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे तो स्पाइन्स प्रेजेंट है. जो स्पाइन्स है वो क्या करते हैं, उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ट्यूब फीट की हेल्प से या फिर अदर्स. तो इसी की मतलब की जो ये सारे काइनोडर्मेट्स होते हैं इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. So let us go further and unique features. Unique features mein they have the endoskeleton of calcareous ossicles. Jo inka endoskeleton hai, ye aap yahan pe dekh sakte ho ki ye jo hai endoskeleton inside exoskeleton matlab bahar wali side, but skin ke andar wali side hai jo ye spines present hai. They are calcareous spines, calcium ke spines hai. जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है दैट इज द स्पाइनी बॉडी. हेड इज बेसिकली एब्सेंट बिकॉज वी आर सीइंग कि इनमें एक स्टार शेप्ड बॉडी है और कोई हेड बेसिकली कोई प्रोमिनेंट हेड प्रेजेंट नहीं है. जस्ट माउथ है, माउथ के ऑपोजिट साइड एनस है, देन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग अलग आर्म में, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है. एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट. बेसिकली ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर है जो सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी में और वो क्या कर देता है, वो एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को, ऑक्सीजन को, ये सब चीजों को अंदर ले जाता है एंड जो वेस्ट मटीरियल होता है उसको बाहर ले जाता है. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हमने पॉरीफेरेंस में पढ़ा था, पॉरीफेरेंस के जैसा, पॉरीफेरेंस में जो था वाटर वेस्कुलर सिस्टम That was really primitive. इनका जो वेस्कुलर सिस्टम था वो काफी प्रिमिटिव स्केल पे था, लेकिन इनका जो इकाइनोडर्मेटेट्स है, ऑफ कोर्स दे आर कंपैरेटिवली वेरी एडवांस्ड काइंड ऑफ एनिमल्स. तो इनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो प्रॉपर है.
as we can see that respiratory system is also present, circulatory system is also present, digestive system is also present, and it is complete, but excretory system is absent. And this phylum is the phylum of spiny-bodied animals. Spiny-bodied animals, jo hai, they are exclusively marine. इनके जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज एक्सटर्नल. बहुत सारे फाइलम्स के बाद अब जाके हमें एक ऐसा फाइलम मिले जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. तो ये चीज को याद रखना है क्योंकि एनालिड्स से लेके अब तक हम या एनालिड शायद एस्टल हेलमेंट्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी, बट अब जाके हमें क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रही है. तो इस चीज को दिस इज अ फीचर एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस फीचर क्योंकि इस फीचर के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. इन दिस सिस्टम सी वाटर एंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट कॉल्ड मेड्रे प्रोपोराइड. एक प्लेट है इनमें, सीव्ड प्लेट लाइक ऑर्गन है जिसको हम मेड्रे पोराइड बोलते हैं. एंड रीचेस द रेडिएटिंग कैनाल्स एंड ट्यूब फीट. देखो ट्यूब फीट का दूसरा नाम क्या है, पोडिया. एंड दिस हेल्प्स इन लोकोमोशन. अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्टार फिश की जो डॉर्सल बॉडी है बेसिकली, सॉरी जो वेंट्रल बॉडी है बेसिकली, इस बॉडी के ऊपर, वेंट्रल बॉडी के ऊपर क्या है, ये बहुत सारे फीट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब फीट और पोडिया बोलते हैं. एंड इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है टू प्रोवाइड लोकोमोशन. तो वैस्कुलर सिस्टम में मेड्रे पोराइड की हेल्प से, इस प्लेट की हेल्प से पानी एंटर करता है, फिर उसके बाद कैनाल्स में जाता है, कैनाल्स से ट्यूब फीट में जाता है. और काम क्या करता है ये वैस्कुलर सिस्टम, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, ये लोकोमोशन मतलब मूवमेंट ऑफ द एनिमल का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है. रेस्पिरेशन कैसे, पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन वाला पानी आएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर ले जाएगा. कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ऑफकोर्स पानी अगर अंदर आ रहा है तो वो फूड मटेरियल्स को भी अंदर लेके आ रहा है, जो छोटे छोटे फाइटो जू प्लैंकटन्स या छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है जो इनके प्रे है बेसिकली डर्मेडेट्स के, उनको पानी अपने साथ लेके आ रहा है, इनकी बॉडी में लेके जा रहा है. एंड इट इज हेल्पिंग, इट इज थस हेल्पिंग इन द कैप्चर. कैप्चर मतलब पकड़ना एंड ट्रांसपोर्ट मतलब पास करना. कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑफ कोर्स एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का पॉइंट मैंने पहले भी बोला था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से क्या होता है, जो वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी के बाहर चले जाते हैं एंड थस इट इज हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन. या ओके, नाउ इकाइनोडर्मेटेट्स की एग्जांपल्स. सारी स्टारफिशेस काइंड ऑफ एनिमल्स हैं जो टोटली मरीन हैं, जो सीज एंड ओशंस में डीप मिलते हैं हमें. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटेटा. तो एस्टेरियास, एस्टर जो वर्ड है बेसिकली वो स्टार के लिए यूज किया जाता है. एस्टेरियास इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश. बहुत ही इजी है याद रखने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. एस्टेरियास, फाइंड द कैरेक्टर्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एस्टेरियास. एस्टेरियास जब आ गया तो इसका मतलब हो गया स्टार फिश. देन सी अर्चिन, सी अर्चिन मतलब इकाइनस. इकाइनोकार्डियम, इकाइनो, इकाइनस, ये सारे वर्ड्स कहाँ से रिलेटेड है, इकाइनोडर्मेटेटा से. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इकाइनोकार्डियम हार्ट शेप इकाइनोडर्मेटेट का नाम है, इकाइनोकार्डियम, ठीक है. देन एंटेडन, सी लिली. इसकी डायग्राम आल्सो, डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको एनिमल किंगडम एक बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है. इसमें क्वेश्चंस कुछ भी नहीं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं. यू जस्ट इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को देख लो 3-4 बार, आपको एग्जाम्पल ऐसे ही याद हो जाएंगे. एनिमल किंगडम की हर वीडियो को 3-4 बार देख लो ध्यान से. जो जो मैंने पॉइंट समझाए हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, उनका साइंटिफिक नेम ध्यान से एक बार देख लो, चार्ट बना के रख लो, रिविजन के लिए दोबारा से वीडियो देख लो. आपके टाइम में तो बहुत ही ईजी चीज आ गई है वीडियो वाली.
हमारे टाइम में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था, हमें तो हमेशा बुक्स उठानी पड़ती थी, नोट्स बनाने पड़ते थे, इतने सारे नोट्स बनाने पड़ते थे, रिविजन लेनी पड़ती थी बार बार। लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है, आपको सारा कुछ इंटरनेट पे मिल रहा है, ये वीडियो में प्रेजेंटेशन में सब कुछ दिया हुआ है, यू कैन सी दिस, है ना। आप ऐसे ही मतलब कि डायग्राम देख लो, उसका साइंटिफिक देख लो, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, यू नो 90% ऑफ द एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देन आगे ब्रिटल स्टार ऑफियूरा, ऑफियूरा ब्रिटल स्टार का नाम है। अब क्या इकाइनोडर्मिडेट के इनमें से कौन से एग्जांपल है, बहुत सारे आपको नाम दे दिए या बहुत सारी आपको फोटोग्राफ्स दे दी, आपने चूज करना होगा। अगर आपने इसको ध्यान से देखा हुआ है, इसी में से आएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी वाली डायग्राम है, इससे बाहर तो आने ही नहीं वाले कुछ भी, इसी में से आएंगे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस, छह हर फाइलम के छह छह एग्जांपल्स, तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये, तो बहुत ही ज्यादा इजी है टू लर्न, स्पेशली फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बन रहे आपको सब समझ आ रहा है। क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर, है ना। अब हमने सी कॉम्ब कुछ ऐसा तीनों फोरम में पढ़ा था, सी क्यूक्यूम्बर है जो इकाइनोडर्मेट का, सी कॉम्ब है जो वो तीनों फोरम का है। ऐसे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं विद फोटोग्राफ। ओके, चलो अब हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कैरेक्टर्स एट द ग्लांस फॉर द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, तो grades of organization हमें पता है that organ system is present, yes organ system is present, symmetry is radial but bilateral in larva, germ layers are triploblastic, जो ये जो है देखो symmetry है, radial है, हमें सिर्फ इसी में मिला है ना, exclusively radial, exclusively marine, some unique features हैं जो हमें मिल रहे हैं। unique feature तो देखो हर phylum के आपको important है with examples, with their scientific name, with their diagrams, ठीक है, with their common names, जैसे soft bodied animals का नाम हो गया, उसका मोलस्का का नाम है, jointed appendages वाले animals arthropoda में आते हैं, spiny skin वाले animals echinodermata में आते हैं, ये सारी examples हैं, they are important to learn, है ना, इनके unique features भी याद करने पड़ेंगे। On the other hand, थोड़ी सी ऐसी चीजें भी देखते रहो, क्योंकि हमने chart बनाया हुआ है हर चीज में, grade of organization। अब यही चार्ट को हम जब लास्ट में रिवाइज करेंगे तो हम पढ़ेंगे दोबारा से कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये वाले फाइलम में ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे, देन ये वाले एग्जांपल्स थे, ये वाले यूनिक फीचर्स थे, तब उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एनिमल किंगडम इज ऑल अबाउट दिस। इतने में से नॉन कॉर्डेट्स में तो इतना ही आएगा, कॉर्डेट्स में आपको कुछ पूछ सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एडवांस पूछ सकते हैं, प्राइमेट क्लास के बारे में थोड़ी डिटेल में पूछ लिया, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में इनवर्टिब्रेट्स में तो इतना ही आएगा जितना मैं आपको करवा रही हूँ। कॉर्डेटा में हम थोड़ी डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा हायर आ जाता है एंड दैट इज मोर रेलिवेंट ऑल्सो, बिकॉज मेडिकल फील्ड में ऑफकोर्स आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाहे एमबीबीएस है, चाहे इवन इफ यू गो इन द वेटरनरी फील्ड या एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जा रहे हो ना, तो वो तो भी आपको ये सब चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉर्डेटा को हम थोड़ी डिटेल, बट इन वर्टिब्रेटा के लिए तो इतना ही काफी है, एंड इतने में से आपके सारे नीट के क्वेश्चन है जो वो कवर अप हो जाएंगे। ओके, देन जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम इज प्रेजेंट, हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मरीन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट एंड टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, दैट इज माउथ एंड एनस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज थ्रू गिल्स और ट्यूब फीट। ट्यूब फीट की हेल्प से कैसे, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो पानी लेके आ रहा है, पानी की हेल्प से जो है ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट हो रही है सारे के, और ट्यूब फीट में हमें पता है कि ट्यूब फीट में पानी जो है वो हमारा पहुंच रहा है। दैट्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिड्यूस एंड इट इज ऑफ ओपन टाइप, इतना अच्छा डिवेलप नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स इट इज रिड्यूस। Reproduction is dioecious, external fertilization, development is indirect, ciliated, free living, free swimming larva. Body is covered with spine, head is absent, calcareous endoskeleton is present, water vascular system is present and excretory system is absent. All the starfishes are included in this kingdom. That was all about the kingdom Echinodermata, phylum Echinodermata. Now let us come to the last phylum, that is last phylum of invertebrates, and this is
हेमीकॉर्डेटा. हेमीकॉर्डेटा में अगर आप स्प्लिट करके देखोगे तो हेमी एंड कॉर्डेटा देर आर टू वर्ड्स. हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड को लेके ये वर्ड यूज किया गया है. हेमी का मतलब है कि इसमें पार्शियली जो नोटोकॉर्ड है, पार्शियल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. Hemichordata was early considered as a subphylum of chordata like chordates because it has pharyngeal gill slits. देखो notochord तो एक चीज हो गई है, notochord के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो pharyngeal gill slits है और भी characteristics होते हैं जो chordates और non-chordates में difference पैदा करते हैं. तो Hemichordata को पहले एक subphylum माना गया था, लेकिन फिर हमें पता चला कि notochord जो होती है ना, इसमें true notochord नहीं present है, notochord like structure present है. So let us read about this phylum in detail. Grade of organization, organ system is present. Of course, there are various organs that are present to perform various functions. Then symmetry is bilateral symmetry. ये सारे worms का, worms का ये एक kind का phylum है. ये जो सारे worms हैं, basically burrowing worms, तो इनको हम bilaterally एक ही central axis से दो equal parts में divide कर सकते हैं. That's why it is known to say that it has bilateral symmetry. Germinal layers. There are three germinal layers present, that is ectoderm, endoderm and mesoderm. Three germ layers are present. Of course, then coelom is present. True coelom is present. Then habitat jo echinodermatids ke baad, again the habitat of hemichordates is also exclusively marine. They are only found in the marine sea and ocean water. Digestive system is complete. It has two opening, the mouth and the anus. Respiratory system is complete मतलब respiration जो हो रही है वो gills की help से हो रही है. Gills की help से oxygen का जो है वो transport हो रहा है. And circulatory system is of open type. Of course open type का circulatory system है. Mesocele एक cavity है जिसमें जो हमारा blood है वो रहता है. Okay, so let us come to the reproduction. Reproduction again, it is dioecious. Dioecious मतलब two separate organisms for separate sexes. Fertilization is external and development is indirect. External fertilization हो रही है तो indirect development होने के chances क्या है वो बढ़ जाते हैं. Unique features में देखते हैं. Worm-like cylindrical body formed of anterior proboscis. A collar and long trunk. जैसे हमने head, thorax and abdomen. Arthropods में उसकी body के three parts थे, head, thorax and abdomen. वैसे ही hemichordata की क्या है, body के three parts हैं. The three parts are proboscis, collar and trunk. जो head वाला part है उसको proboscis बोला जाता है. जो collar है that is connecting the proboscis and the trunk. Collar bears a stomachord, a rudimentary structure similar to notochord, but it is not true notochord. True notochord नहीं है, false notochord है, pseudo notochord है. Notochord को resemble करने वाला एक structure है. That is why इसको hemichordates बोला जाता है. Hemichordata is the name of the phylum. Collar bears a stomachord. Stomachord नाम होता है. That is the structure resembling the notochord present in the phylum Hemichordata. Excretion is happening with the help of proboscis gland. Proboscis region में gland present होता है जो excretion में help करता है. That is very similar to the kidneys. Blanoglossus बहुत ही ज़्यादा common. Tongue worm because इसकी जो worm की जो shape है ना that is resembling the tongue, इसलिए इसको tongue worm बोला जाता है. Blanoglossus बहुत ही ज़्यादा common है. Blanoglossus जहाँ पे भी आ गया बस hemichordata आपके नाम में struck कर जाना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज सैकोग्लॉसिस. ब्लैनोग्लॉसिस याद रख लो, ब्लैनोग्लॉसिस से मिलता जुलता नाम है सैकोग्लॉसिस, सबको याद आ जाएगा दैट दिस इज आल्सो हेमिकॉर्डेटा. ओके तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं.
grades of organization. Organ system is present. Symmetry is bilateral, of course. Germ layers, three germ layers से पूरी body की development हो रही है. That's why the development is triploblastic. The organisms are triploblastic in nature. Coelom है, present है. True coelom is present. Habit and habitat exclusively marine like echinodermidates. Echinodermidates are the spiny skinned animals. Ye jo phylum hai hemichordates ka, that is of tongue worm like organisms. Digestive system is complete. Complete matlab two openings are present, mouth and anus. Respiration takes place with the help of gills. Circulatory system is present and it is of open type. Means there are no proper blood vessels formed and the blood goes to the body cavity. Dekho, iske circulatory system ke regard agar hum baat karte hain to wo hai. एनलिड्स इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस माने गए हैं क्योंकि एनलिड्स में जो है दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, इसलिए इस चीज को बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर माना गया है. बट अगेन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आर्थ्रोपॉड्स में, मोलस्क में, इकाइनोडर्मिडेट्स में भी एंड हेमिकॉर्डेट्स में भी जो है वैस्कुलर सिस्टम वो क्लोज्ड ही है. आगे आप देखोगे, आगे आप थोड़ा देखोगे तो जैसे हम कॉर्डेट्स करने वाले हैं आगे, तो उसमें आप देखोगे दैट थोड़ी थोड़ी सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर एडवांसमेंट आ रही है. मतलब एनलिड्स वर एक्सेप्शनली ऐसा फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है. प्रॉपर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. दैट द ब्लड, ब्लड इज ऑल्सो वेरी प्रॉपर. ब्लड में एक, हालांकि जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो नहीं प्रेजेंट होता, लोअर एनिमल्स में कहीं में भी फाउंड नहीं है, लेकिन अर्थवर्म्स में हेमोग्लोबिन तो नहीं है बट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट. दैट हेल्प्स इट इन रेस्पिरेशन. ओके वेल, हम हेमिकॉर्डेटा पे वापस आते हैं. तो रिप्रोडक्शन इन हेमिकॉर्डेटा इज अ डायोशियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. यूनिक फीचर क्या है इसके, इनकी मॉर्फोलॉजी, पहली तो वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो बॉडी है दैट इज कंपोज्ड. देखो यूनिक फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेटा, तो इनमें नॉटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्यूडो नॉटोकॉर्ड होती है, फॉल्स नॉटोकॉर्ड होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दैट इज रिजेंबलिंग द ट्रू नॉटोकॉर्ड बट इज नॉट द ट्रू नॉटोकॉर्ड. इसीलिए क्लासिफिकेशन में पहले इसको सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा माना जाता था, लेकिन फिर से दोबारा इसको क्या कर दिया, इसको इसको अलग से फाइलम इन वर्टिब्रेट्स के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया, बिकॉज हमें पता चला कि जो नोटोकॉर्ड है दैट इज जस्ट रिजेम्बलिंग बट इट इज नॉट द ट्रू नोटोकॉर्ड. देन एक्सक्रीशन इज बाय प्रोबोसिस ग्लैंड एंड द बॉडी इज डिविजिबल इन थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, एग्जाम्पल बिलानोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. एंड हम आज हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स है वो सारा खत्म हो चुका है, नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट सारा ओवर हो चुका है हमारा. कल से हम कॉर्डेटा वाला शुरू करने जा रहे हैं. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.